वेलकम बैक टू मामा सेज चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो चले आज आपके लिए क्या बन रहा है आप बताएंगे। मैं वही जो अमरूद जिसको कहते हैं अमरूद का जो नुस्खा जिससे मुझे काफी, मैं फिर बता रहा हूँ 70-75% में खुदा का शुक्र है बेटर हो गया हूँ उसी से। बाकी दुनिया जान की चीजें की हैं, अब लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन उस मैं समझता हूँ कि ये 70-75% मुझे इसी से फायदा हुआ, बाकी भी हो जाएगा। रात बड़ी सुकून से सोता हूँ इंशाअल्लाह के फजल से। तो चूंकि अब हम दोनों को मैसेजेस आ रहे हैं, आसफा को इसके अकाउंट पे भी आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं, मैं भी साथ इसलिए खड़ा हो गया हूँ, वरना मामा दाई को विलिंग तो नहीं थी कि मैं साथ बराबर खड़ा हूँ इसके, लेकिन मैं फोर्सली मैंने आप लोगों का बहाना बना के थोड़ा साथ लग के खड़ा हो गया हूँ आगे, क्योंकि दोनों के मुश्तरक लोग हैं। तो मैंने कहा हम इकट्ठे बनाते हैं तो सोच लेंगे किसी एक चैनल पे लगा, दोनों पे नहीं लगा, लगाएंगे एक पे, आपको पता लग जाएगा। चलिए, इस रेसिपी का क्या नाम है? एक्चुअली ये रेमेडी है फ्रूट्स के साथ जो खांसी के लिए बना रही हूँ मैं, अमरूद। अमरूद का हम बना रहे हैं वो, और अमरूद आपको चाहिए हरे कच्चे। बिल्कुल, ये जैसे येलो वाले पके हुए नहीं, पके हुए में तो ये बता दूं कीड़े भी आजकल है तो ख्याल से खाएं। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप कच्चे लेकर आए और उन्हें खुद ही थोड़ा सा पका के घर में खाएं, पके हुए लेके आएंगे में कीड़े निकल, उसमें डर रहता है। तो हमने ये कच्चे वाले यूज करने, ये भी देखें बिल्कुल हार्ड पत्थर, दोबारे पत्थर की तरह। और इसकी दो रेसिपीज हैं, एक है कि आपने क्विक वाली बन जाती है और एक है कि थोड़ा टाइम लगती है। तो आप मेरे ख्याल दोनों ही शेयर कर देते हैं आपके साथ, थोड़ा टाइम लगेगा जो दूसरी वाली है, लेकिन जो क्विक वाली है साथ साथ वो भी बनाते हैं और दूसरी भी साथ आपके रख देते हैं, और फिर इसका तरीका भी बताते हैं कि आपने कैसे करना। क्विक वाली तो मैं अभी जैसे अब सुबह से बेहतर, शुक्र है मैं बहुत बेहतर हूँ, नहीं आ रही, लेकिन अब मुझे फील हो रहा है कि जैसे अंदर से मुझे वो जैसे खांसी नहीं कहते किसी किसी को छेड़ना चूटी बढ़ना, मुझे महसूस हो रहा है अंदर से, जरा सा पूछा बोला तो मैं वो बाकायदा प्रैक्टिकली बनाएंगे भी खाएंगे और आपको बता भी देंगे और खाऊंगा भी, ताकि मेरे अभी अगले 4-5 घंटे अलग। तो अच्छा, वो येलो आलू से आप डबल माइंड नहीं होना, वो जब हम लेकर आए ना तो हमने कहा चलो हम खुद वैसे अलग से खा लेंगे, इसलिए वो लेकर आए, तो या किसी फ्रूट चाट वगैरह में डाल लेंगे, इसलिए हम आपने कच्चे हार्ड और ग्रीन कलर के वो ले लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, लॉन्ग प्रोसेस है जिसका, जिसको आपने पूरा हल्की आंच पे करके, ये जहर आपको क्लोज करके दिखा देंगे, और इसको मैंने क्या किया है, धो लिया है अच्छी तरह से, धो के वैसे तो जल ही जा रहा है, नाम भी धो दो कोई मसला नहीं। तो और इसको मैंने स्टोव के ऊपर रखा है, बर्नर के ऊपर, और बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है इसको, ताकि एकदम से ना जले, स्लो हीट पे। और इसको 3 से 4 डिपेंड करता है कि आपके अमरूद कितना बड़ा, 3 से 4 घंटे लगे थे। ये पार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपने इसको बिल्कुल लो हीट पे, नजर आ रही है बहुत कम है, बहुत बिल्कुल मिनिमम पे मैंने इसको कर दिया, स्लो स्लो पकाना है इसको, ये कर दिया मैंने। और साथ ही इसके मैं शुरू कर देती हूँ दूसरा वाला बनाना। अच्छा, दूसरी आसपास मैं शेयर कर दूं जो मुझे याद आता जाएगा। तो ये स्टोव किसी भी टाइप का हो सकता है, आप ये ना समझे कि अब आपके पास स्टोव नहीं है तो आपको फिर आप कोयले, दो तीन कोयले वो जले हुए उनके ऊपर रखे, आपने इसको पकाना है, इसको जब तक ये टर्न कम्प्लीटली ब्लैक बाहर से भी और अंदर से भी काला बन जाए, और स्लो हीट पे ज्यादा तेज करके आपने इसको जलाना नहीं है कोयले की तरह, बिल्कुल हल्की हीट पे आपने रख के इसको चिमटा या किसी चीज से आप टर्न करते रहे और उससे आप इसको घुमाते रहे, घुमाते रहे। और दूसरे वाले के लिए भी यही है, मैंने बिल्कुल हल्की आंच की है उसकी, और भी ज्यादा हल्की कर दूंगी, वहाँ रखे साइड पे रखे, कोई हर्ज नहीं है, हाँ हाँ वहाँ रखे साइड पे रखे, और इसको भी बस घुमाते जाना है, और इसको इसको आपको दिखाते जाएंगे कि क्या करना है। और आपको इसमें ये आपको बता दूँ कि जब आपने ये हल्की आंच पे पकाना है ना, तो आपने इसको इसलिए हल्की आंच पे पकाना है कि वो स्लो कुक हो, हाँ ये नहीं है कि आपने फटाफट इसको जला के और फटाफट, वो नहीं करना है। और जैद को आखिरी जो आराम आया है इन्हीं दोनों टोटकों से आया है, एक्चुअली खासतौर पे वो जो राख से बन रहा है जो मुश्किल वाला है उससे ज्यादा आया है। वो मैंने देखे बना के ये बॉटल में रखा हुआ है, ये बॉटल में मैंने रखा हुआ है, और इसकी मैं जो तरीका फिर मैं एंड में आपको बताऊंगी। और इस बात में थोड़ा सा मैं शेयर भी करूँ, कोई यकीन करें कि ये अक्सर लोग कहते हैं ना मौजजा हो गया, मैं इसको इस तरह ले रहा हूँ कि ये जस्ट लाइक एक मेरिकल या मौजजा कह लें। अब आज रात में देखिए बहुत अर्ली सो गया हूँ, क्यों कल दिन में मैंने वो छुट्टी नहीं लाई, सोने कल दिन में नैप शैप नहीं लिया, तो मैं 10 बजे सोया, जब सोने लगा जैसे आप लेटते हो ना, ये खांसी वालों को पता है उसमें आपकी एग्रीवेट होता है, पता नहीं चेस्ट में क्या कोई कंजेस्टन होती है, आपको खांसी शुरू हो जाती है। जैसे ही शुरू हुई तो मेरा था प्रोग्राम कि आज मैं नहीं खाता हूँ, अभी नहीं है खांसी,
तो आसफा फटाफट वहां से उठी, उठ के इसने वही ये बनाया हुआ चुटकी उसमें डाली, आधी चम्मच शहद डाला, आपको पता लग जाएगा सारा पड़ोसी मिक्स करूं मैं, बस वो खा के आप सोचेंगे मैं सोया हूँ 10 बजे। मैं शायद जिंदगी में भी इतना पुरसुकून नींद नहीं सोया 10 बजे, और मैं कहा आप सब तुम्हें पता सुबह अर्ली मॉर्निंग कितने। और ये जो राख वाली रेसिपी है ये संबर ने मेरी बहन जो हैदराबाद वाली उसने दी थी, और जो कि ताई की जैसी बहन रुखसाना आई थी वो कहने लगी हाँ मैं भी बनाती रहती हूं, मैं भी देती हूं ऐसे लोगों को जिनको। ये जो ये वाली रेसिपी है जो कि आपने खुद बनाना है और खाना है, उसके लिए मेरी बाजी और जैद के दोस्त जो शहरियार है उन्होंने भी बताया। ये देखिए इसको टाइम चाहिए, पर इसको हल्का हल्का है आपने घुमाते रहना, कंप्लीटली भी घुमा दो, टर्न कर दो ना ऊपर वाला ऐसा नीचे कर दो, ऐसे भी तो कर सकते हो। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह ये काला होता जाए बिल्कुल, अब फिर आप बाकायदा ये टूटना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा ना, करेक्ट होगा। हाँ ये देखें, अच्छा इसको आपने रोस्ट करना है हल्की आंच पे, बजाय ये कोशिश करें आप आग तेज करें और इसको जला दें, नहीं आपने इसको रोस्ट करना है स्लोली, आपने इसको रोस्ट करना है। अच्छा इसकी एक ये बताऊं कि जैसे गांव वगैरह में बाजी बता रही थी होते थे तो कोयले होते थे ना, उसमें दबा देते तो बेस्ट वो होता है, वो कोयले के अंदर दबा के ऊपर कोयले रखते हैं, लेकिन आजकल कोयले नहीं है तो आप ऐसे स्टोव पे इसको हल्की आंच पे। हाँ ये देखें, ये अच्छा आइडिया दे दिया, जो देहात गांव में अगर कोई नहीं है गैस कहीं या कोई भी ऐसी जगह जहाँ गैस नहीं है, मतलब मीरपुर में 100 जगह नहीं है गैस, तो आप उसमें कोयला उसके अंदर दबा के और रख दो, स्लो इसको करना है, वरना काला ये टर्न फुल आप कर दो अभी तो 2 मिनट में निकाला, तो आपने वो नहीं करना, सिलो उसके ऊपर कुक करना, तो ये 10-15 मिनट वाली परले परले हम जो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक होने से मुराद आप यूं समझ लो कि अंदर से सॉफ्ट, देखिए ये कच्चा है लेकिन अंदर से वो गर्म हो जाता है और अंदर से सॉफ्ट हो जाता है, जब आप खाते हैं तो मतलब बहुत अच्छा। उसका जो भी अब उसका फायदा किस होती वो तो हमें रिसर्च की हम क्या करें उसको, लेकिन हमें ये पता फायदा होता है। जब से हम आए ट्रिप से वापस आए मैंने जैद को कोई दवाई नहीं दी, मैं कोशिश करके ऑर्गेनिक इस तरह की होम रेमेडीज दे रही हूँ जिससे बहुत ज्यादा, और कहवा साथ वो तो पी रहे हैं, वो तो नॉर्मली पहले भी पीते थे, फिर शुरू कर दिया यहाँ जब पहले थे पहले भी पीते थे, ठीक है ना, तो बस अब ये बात आप सीधे शुरू घुमाती रहो इसको और उसके बाद फिर आगे बढ़ा देंगे बात को, ठीक है। तो आप देखें कि मैं इसको हल्का हल्का घुमाती जा रही हूँ कि ये ब्राउन होता जाए, बजाय कि जलना मैं नहीं चाहती थी ये जले, हल्का हल्का मैं घुमाती जा रही हूँ जल्दी जल्दी इसको, ताकि चारों तरफ से ये ब्राउन। और ये कौन से वाला है? ये वो कुक वाला है, कुक वाला 10-15 से 20 मिनट का, और बिल्कुल आखिर में मैंने क्या करना है इसको इसके ऊपर इस तरह सेंटर में करना है ताकि अंदर से अंदर तक इसकी हीट चली जाए। हाँ तो इस तरह वो टिक नहीं रहा, तो मैंने और ये देखें ये आपके सामने हो रहा है, और इसको हल्की आंच में, और अब ये परेशान नहीं होइएगा क्योंकि ये फटता है जब ये अंदर तक पकने लग जाता है ना, तो ये फटेगा उसके साइड से इसका निकलेगा। आपने पकाए जाना है, आपने पकाए जाना है कम से कम 3 घंटे इसके बन ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल 3 घंटे, और वो तैयार हो गया 10-15 मिनट में, बिल्कुल बस अभी थोड़ा सा मैं और करूंगी उसको खाऊंगा इंशाल्लाह। तैयार रखी मैं तेन खान नहीं देना, तू पता है छिल के तू मैं हूं खा लो अंदरों, शुक्र कर के तेन खंग नहीं है। अच्छा चले सूट का भी बता देते हैं, बनाया पहले ये तो वही जो फैजलाबाद से पहनती हुई वही है, अभी तक पूछ रहे हैं तो मैंने बता दू की लाइमलाइट से लिया था, और ये 2 पीस सूट था, और इसका जो पैंट है वो भी हमने वही से ले के लेकिन सिलवा ली थी दीपा, ठीक है ठीक है। ये तो मेरा ख्याल फैसलाबाद में पहना था वही अलग अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा बहुत कमेंट था तो मैंने कहा बता देते हैं। याद है कौन सा सूट तुम्हें अच्छा, तो कौन सा मुझे याद आ जाता है कि मैं वही कहता हूँ ना कौन सा नहीं अच्छा लगता कमेंट्स, तो हर सूट पे कहाँ से लिया, तू 1500 रुपए का इतो मीरपुर लैके भी जरा पौनी है ना, बस ये भी मैं तो ये कहता हूँ की चलो पसंद आया बोलेंगे, 1500 का लिया या 10000 का ले लिया मैंने, लेकिन ये था कि ये विंटर है और आज ठंड भी थी तो मैंने कहा ये पहन लेती हूँ थोड़ा। अच्छा वो मैं पहले भी एक अभी फिर शेयर कर दूं, शायद मैंने किसी वीडियो में कहा कि हमारे दोस्तों कहते हैं कि भी माल के अंदर दुकान के अंदर आप जैसे घुसे चाहे मर्दाना सूट हो लेडीज की ज्यादातर वो बात हो रही थी, बोला आपको अंदर घुसते ही डिस्प्ले उनका लगा हुआ कि जिसने पहले आपको अपील की आप उसकी तरफ बढ़े हो तो समझ लो कि आपकी च्वाइस वही होनी चाहिए, फिर अब वो चाहे वो 2000 का है और चाहे वो 20000 का है, जिसने आपको फर्स्ट अपील किया सूट में वही समझो अच्छा है और वो ही पसंद कर लेना चाहिए आपको। सो बाकी आपकी बंदी की हर एक की अपनी चॉइस, आसवा हूँ उतर ना साढ़ दू नहीं। अब इसको खाने का तरीका फिर वही चलो यहाँ थोड़ी डिस्कस भी हो जाएगी, अब 2 मिनट रह गए। इस वाले को छीलना, इसका कालक ऊपर से सारी छील के फिर खाना है,
तो छीलेंगे हम इस तरह कि हाँ। वो मैं आपके सामने इसको काटूंगी हाँ। से, और उसी में से आपने स्पून के साथ खा लेना, बजाय आप इसको पूरा छीलें भले ना, ऐसा सारा भी गंदा होगा, ऐसा भी कर लो, ऐसा कर लो। और बस ये हो गया, और इस वाली को आपने पूरा जला के फिर इसका वो बनाना पाउडर, वो तो देखते चले, वो देखते हैं उसका लंबा काम है इसका, ये हो गया तकरीबन है ना। अब ये कम्प्लीट हो गया है, जो क्विक वाला क्विक रेसिपी थी वो हो गई है। जैसे ये रखें बेशक आसपा, इसको दो ही हिस्सों में सिर्फ कर देंगे, हाँ, है ना, दो हिस्सों में करते हैं इसको। और देखो कच्चा था, नॉर्मली तो कच्चा पूरा जोर लगता है, ये कटता नहीं आसानी से, नहीं है ये भी एक पहचान है, बिल्कुल कटता नहीं है वो। और अब ये है कि जैद को मैं प्लेट में डाल दूंगी और इसको आराम से खा लें। और देखिए इसमें से स्मोक निकल रही है, अगर आप देख सके तो इसमें से स्मोक धुआं निकल रहा है, नहीं नजर आ रहा इसमें से। तो चलिए जैद आप बिस्मिल्लाह पढ़ें। मैं पहले ऐसे खाया तो मैं वैसे ही कर, ये देखें ये बड़ी आसानी से, बजाय कि स्पून को फिर आप चक्कर करो, ये करो वो करो, ये दो मिनट लगे। ठीक है, ये छील लिया आपने, गर्म है, आपने केयरफुली पकड़ा, मेरी उंगलियां तो हाथ आपको पता बड़े सख्त हैं, ये हो गया ठीक है, कट गया, थोड़ी बहुत कालक दी खैर। अच्छा आसवा थोड़ा सा हार्ड है अभी भी, लेकिन और अब सिर्फ पकाएं तो ये छुरी सही वाली नहीं ली, छुरी नहीं। तो बस आपने ऐसा करना है कि ये रात को सोते हुए ये खा लें, पर इसके ऊपर से फिर पानी नहीं पीना आपने, लेट नाइट आप ये करें, जब आपको पता हो कि अब आपने सोना है तो बस उस वक्त आप ये करें और उस वक्त ये खा लें। अगर सारा नहीं भी खाना ना तो एक पान दो खान इसको रख ले, फिर गर्म करने जब खाते हो तो लेकिन हो तो गर्म हो, बिल्कुल। बाकी जो इसका फार्मूला जो कुछ करना था वो हो चुका है, पूरा इतना बड़ा को नहीं खा सकता सही बात यार, ले छोटा। अब मैं ये दो पीस मेरे खाल बहुत नहीं, खुराक मेरी बहुत कट गई है। तो मैं भी खाती हूँ आज एक, मैंने नहीं खाया, ट्राई किया, ट्राई करो, छील के दे जी, छील कर ये छिला हुआ, अच्छा ये पूरा अंदर तक गर्म था ये, और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका, मुझे बहुत पसंद आया इसका टेस्ट। दूसरी होती चाय की, और मैं आपको वक्फन फवक्फन एक घंटे बाद दिखाती जाऊंगी कि इसकी सूरत हाल क्या है। वक्तन फवक्तन, वक्तन फवक्तन। तो ये देखें तकरीबन एक डेढ़ घंटा हो गया इसे, और ये देखें फट के साइडों से निकलना भी शुरू हो गया है, और इसको इस तरह से हल्का सा हिलाएंगे तो आप ये इसको टर्न करते जाना, फटक फटक की आवाजें आएंगी, ये देखें इसमें रस निकल रहा है, लेकिन आप परेशान ना हो, इसको जलने दे इसी तरह, स्लो स्लो आंच पे इसको पकने दे इसी तरह, और बस इसी तरह मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि आप परेशान ना हो जाए कि फटक की आवाज आई तो क्या हुआ, तो वो उसका अंदर का गूदा जो है पक के अंदर से बाहर निकल, फाइनली वो फिगर आउट कैसे करना है कि हाँ भी पूरा पक गया, अंदर से जब वो देखेंगे ब्लैक होगा तो फिर वो, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी किसी तीन चीज के साथ के किस भी अंदर से भी बिल्कुल काला पक गया, काला हो जाता है। अब उसका फिर पाउडर बनाना है ना, चलो जो स्टेप नेक्स्ट आएगा मैं पहले दसदा जा रहा हूँ, सस्पेंस तरह खत्म करता जा रहा हूँ। ये देखें जी आपको अंदाजा लगाने और दो घंटे तकरीबन हो गए अभी इसको, आसपा का अपना ख्याल है कि अभी भी अंदर से थोड़ा ये ब्लैक पूरा नहीं हुआ, बहुत चलने देते हैं। और ये देखें सब देसी नुस्खे आजकल चल रहे हैं घर में, इसमें वो फिर मैं गिरा हूँ, सिनमिन हो गई, सौंफ हो गई, काली मिर्च हो गई, क्लोव जिसको हम लौंग कहते हैं वो हो गए, और इलायची भी इसमें डाली है, जो पॉसिबल चीज़ें आप लोगों ने तो नोट कर सब डाली है, और ये भी पिए तो इससे भी आपको काफ़ी टाइम आप बिल्कुल बड़े आराम से रहते हैं। साढ़े तीन घंटे इसको हो गए तकरीबन, तो साढ़े तीन, इसको मैं आपको थोड़ा शो करने के लिए प्लेट में रखी हूँ क्योंकि स्टोव पे आपको नजर नहीं आएगा, तो आप ये देखें कि मुझे पता चल रहा है कि ये लाइट वेट हो गया और खोखला हो गया बिल्कुल ना, अंदर से मुझे फील हो रहा है इसको ना कि बिल्कुल खोखला, हाँ जैसे मतलब हल्का हो गया, इसका मतलब वो सब जल गया, हाँ सब जल गया, खोखला हो गया। अब आपने क्या करना है, बड़े आराम से इसको पकड़ें, देख लो इसको, और आप ये देखें कि कैसे आराम से इसके अंदर चली गई है और कुछ भी नहीं, ये ऐसे ही टूट जाएगी, और जैसे ये थोड़ा ठंडा हो, अच्छा ये जो थोड़ा थोड़ा सा बीच में रह गया इसको आपने छोड़ देना, इसको आपने नहीं डालना उसमें, इसको ठंडा होने दें, और जब ये ठंडा हो जाए तो बस ये इसको आप तोड़ लें। अच्छा जो अभी जरा कच्चा रहा है वो उसको छोड़ दें, हाँ उसको नहीं डालना, उसको नहीं शामिल आपने करना, पाउडर बनाना, बाकी को आपने पाउडर बनाना है इसको, और ये इतना वो जला हुआ है कि बिल्कुल ही उसी वक्त ही ठंडा हो गया, और ये देखें इस तरह ये चूरा होता जाएगा, ये देखें आपने यूँ दबाना है और ये यूँ चूरा हो जाएगा इस तरह। अच्छा एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ यहाँ, अब हर बंदे की अपनी चॉइस है
क्योंकि बहुत सारे लोग, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भी आप जली हुई चीज खाएंगे पेट में दर्द हो जाएगा। नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, नहीं, नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ अपनी चॉइस के उसके ऊपर, भाई कल को हमें कोई ना गिला करे कि मैं खाए जली हुई। देखें ये तो एक वो बता रही हूँ रेमेडी है, और मैंने अब इसको क्या करना है, इसको सबको निकाल के मैंने उसमें डालना है जार में और बारीक करके। और लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जैको मैं बनाती कैसे। इसका ये है कि जैसे अगर आपने जाया नहीं करना तो आपने क्या करना है, इसको दोबारा उल्टा करके ना इस पे दोबारा स्टोव पे रख दें और इसको अंदर से जलने दें, और जो ऊपर का जो आपने उतारा है ना बस उसको आपने चूरा कर लें। मैंने इसको चूरा कर लिया है, और यहाँ पे जो मेरा जार है ना एयर टाइट आपने कंटेनर लेना है और मैं इसमें भर के रख लूंगी। और ये बहुत अरसा चलता है, ये मैंने एक अमरूद का बनाया हुआ था और इतने दिनों से ये चल रहा है। इसमें से अब मैं इसमें शहद डालूंगी प्याली में। अब आपने क्या करना है, एक टीस्पून जो है ना आपने लेनी है शहद, और ये शहद ऑर्गेनिक है, मैं लेकर आई थी अपने साथ। तो वैसे ये ज्यादा हो गया टीस्पून? हाँ टीस्पून से थोड़ा सा मेजर करके डाल। मेजर करके डाल, ज्यादा हो गया। आपने क्या करना है, तीन चुटकियां भर के, जो भरी हुई चुटकी है तीन कर लो चार कर लो, देखो वो तीन तो इसको मसल के डालें ताकि ये पूरा हो जाए। इसमें एक चुटकी का मतलब पिंच, भरी हुई पिंच, जैसे भरी हुई पिंच है वो डाल। ये दो हो गई। हाँ। और इसको मैं बारीक, हाँ और भी बारीक करती जाती हूँ लेकिन, और वरना फिर आप क्या करें अगर कुछ हो भी तो कुछ नहीं, इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। और इसका खाने का भी तरीका है, देखें ये नहीं है कि आपने एक ही दफा में ये खा जाना है, ये देखें आप इसको ऐसे ऐसे करके, और ये आप अनलिमिटेड टाइम खा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ये तो मेरे उंगली काली है, चले मैं इससे ले लेती हूँ। आपने क्या करना है, उंगली से नहीं खाना, आप ऐसा छोटा स्पून रखें और उसको आस्ते से लिक करें, जैसे कहते चाटते रहने से। चाटना है आपने तो एकदम सारा नहीं कटना, एकदम नहीं। तो ये बहुत देर तक चलता है, जैसे आपको खांसी महसूस हो तो आप उस वक्त खाएं। तो ज़ैद डिटेल बताएंगे कि क्या फील होता है, क्योंकि मैं तो इतना नहीं खा रही। कुछ भी नहीं, कोई इसका टेस्ट नहीं महसूस होता सिवाय इसके के शहद के। हाँ। हनी के, और आपको ये फील होगा कि जैसे इसके अंदर कोई क्रिक नहीं, पंजाबी हाँ, क्रिक, कोई क्रिक फील होगी, आप उसको स्वालो कर ले वो हजम हो जाएगी उससे। नहीं नहीं बिल्कुल भी ज़ैद का पेट नहीं खराब हुआ, कुछ नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। और ये पुरानी रेमेडी है, बहुत लोग यूज कर रहे हैं, उम्मीद है आप भी यूज करेंगे। चलें आप जाके इस रेसिपी को ट्राई करें, चैनल को लाइक करने का सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मुझे टेस्ट नहीं करानी थी? अरे हाँ टेस्ट कर लें ज़ैद बेटर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह शिफा दे सबको जो भी इसका इस्तेमाल करे। बिस्मिल्लाह पढ़ के और शुरू करें तो अल्लाह। देखिए खाने में भी ये कितना सारा है, लेकिन मैं देखिए ये इतनी, ये भी ज्यादा ले ली मैंने, लेकिन चलो मैं आप दिखाने के लिए अब मुंह में घुमाएंगे तो क्रिकेट में और मिक्स अप होती जाएगी, थोड़ी दांतों से चबा लें। नथिंग, अब यहाँ वो जुबान पे आपका काला काला बिछक ले। मैं कहता हूँ कि मेरे लिए भला करे जिसने भी ये बताया, अल्लाह भला करे कि सांबर नहीं बताया। तो मेरा दोस्त भी तो शामिल है ना, खाली सांबर को दुआएं दो, दोस्त को बददुआएं दो क्या? नहीं नहीं दोस्त ने आपको बताया था वो पूरा बताया, वो दूसरे आदमी ठीक है। तो चलो उसको उस पे दो डेकोरेटर, उसको दे दो ट्रॉफी, उन्हें दे दे, लेकिन फायदा बहरहाल इसका अल्लाह का शुक्र है, फायदा तो ऊपर वाले ने देना बताया जितनी मर्जी। देखिए वसीला कोई ना कोई बनता है, तो अल्लाह करे आप लोग जो इस्तेमाल करें उसको फायदा फायदा। तो कमेंट करें अगर आपको ये रेसिपी पता थी या आपने पहले ट्राई की हुई है,